हेलो एवरीवन। तो यहाँ अभी संडे और सुबह के हो चुके हैं 11:54 और हमने प्लान बनाया आज रेस्टोरेंट में खाना खाने जाने का। तो भाई ऐसा है कि यहाँ पर लग चुका है 2G+ रूल, और 2G+ रूल में ये है कि आपकी या तो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए या फिर आपके पास बूस्टर शॉट होना चाहिए। तो भाई बूस्टर शॉट अभी मैंने लगवाया नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसके बाद ही बूस्टर शॉट लगवाऊंगी। तो अभी हमें रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होंगी, जिसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम लोग अंदर चले गए थे। अंदर टेस्ट हो चुका है हम लोगों का और विद इन 5 मिनट्स रिपोर्ट आ जाएगी। और तो भाई ऐसा हुआ कि हम लोग वेट कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि रिपोर्ट ईमेल के थ्रू आने वाली है। तो अभी हमसे हमारी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने बोला कि रिपोर्ट वो मेल कर देंगे। तो हम लोग अभी चल रहे हैं अपनी रेस्टोरेंट की तरफ, और रिपोर्ट आ जाएगी विद इन 15 मिनट। उन्होंने बोला है कि वो रिपोर्ट सेंड कर देंगे। तो ये हम जा रहे हैं, और ये हमारे घर के आसपास का एरिया है। लोकेशन बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो देखिए ये देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये है यहाँ पर ना, ये स्कूटी है और बाकी स्कूटर्स भी हैं। तो ये ना हमें रेंट पे मिल जाते हैं। इन पे ये देखो बार कोड लगा हुआ होता है, स्कैन करना होता है फ़ोन से, और हम इन्हें रेंट कर सकते हैं। तो ये आवर्स के अकॉर्डिंग और मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ये हमारा चार्ज करते हैं। और संडे में लोग आ जाते हैं अपना यहाँ पर घूमने के लिए। पूरी गली में रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट बने हुए हैं, और बहुत अच्छा मौसम है आज का। धूप निकली हुई है, तो धूप निकलती है तो लोग और ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं। देखो दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ जो कि मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा। ये भाई ये है डस्टबिन, और ये ना यहाँ पे जगह जगह पे लगी हुई हैं। तो क्या है कि जैसे लोग अपने डॉगीज को घुमाने लेके जाते हैं, तो भाई वो पॉटी भी करते हैं, तो जहाँ भी वो पॉटी करेंगे ना, तो लोग वहीं से उठाते हैं और वो इन डस्टबिन में थ्रो करते हैं, और सिगरेट वगैरह वो इसी में थ्रो की जाती है। तो इसका सिस्टम बहुत अच्छा है। तो भाई हमारी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आ गई है नेगेटिव, और हम जा रहे हैं फिर अभी अपनी मंजिल की ओर, जो कि हमारा है रेस्टोरेंट। तो उस रेस्टोरेंट में हमें एंट्री तभी मिलेगी जब हम ये अपनी नेगेटिव रिपोर्ट्स उन लोगों को दिखाएंगे, वरना तो एंट्री नहीं मिलने वाली थी। तो हम जाएंगे अभी U1 से। तो यहाँ पे ऐसा है कि जैसे अगर हम अंडरग्राउंड जाएंगे तो उसको U1 बोलते हैं, बहुत ही मेट्रो है, और अगर ऊपर से जाएंगे तो S1 बोलते हैं, और बाकी एक ट्राम होती है, तो वो जो सड़कों पर मेट्रो नहीं चलती, बस की तरह ट्रेन की तरह, तो वो होती है। हमें टिकट लेना है, तो ये मशीन है यहाँ पर टिकट लेने की, हम अभी टिकट लेंगे इससे। और यहाँ से टिकट लेने के बाद हमें उसको वैलिड कराने के लिए यहाँ से स्टैम्प कराना होता है इस तरीके से। तो यही सेम हमारी मेट्रो है, ये खड़ी हुई थी और ये यहीं से चलती है, तो इस वजह से ये थोड़ा लेट चलेगी। यहाँ से जैसे होता है ना कि बन के चलेगी, तो ये बन के चलेगी यहीं से। हमारी मेट्रो एकदम खाली पड़ी है और सिर्फ हम ही है। ये बाहर का व्यू है, और ये देखिए। I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work. So guys, abhi humne metro se hum utar chuke hain, aur abhi hum lenge tram. तो हमारे पास ऑप्शंस थे कि हम सिर्फ मेट्रो से चले जाएं या फिर बीच में चेंज भी कर सकें। तो वही मेट्रो से हमने चेंज किया है, और अभी हम ट्राम लेंगे क्योंकि ट्राम से थोड़ा व्यू अच्छा मिल जाता है। मेट्रो ना थोड़ा अंदर ही अंदर चलती है, तो उस वजह से ना व्यू थोड़ा अच्छा नहीं आ पाता। तो जो ये चेंज करेंगे हम, ये हम करेंगे ओरियन बर्गर्स रास्ता करके कुछ है, तो वहाँ से हम चेंज करेंगे। और ये देखो सड़कों के बीच में पटरियाँ बनी हुई हैं, तो जो ट्राम है वो यहीं पे चलती है सड़कों के बीच में। हमने मूवी में भी देखा है ना, तो वैसा ही सेम यहाँ पे भी देखने को मिला।
और देखो वो सामने से आ भी रही है, तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो ये भी गई, सड़कों के बीच में जाती रहती है और यहाँ पे गाड़ियाँ भी चलती रहती हैं और ट्राम भी, थोड़ा सही लगता है देख के। तो देखो हो गई है ग्रीन और हम जा रहे हैं अभी रोड क्रॉस करते हुए, सभी इकट्ठे रोड क्रॉस करते भाई, बहुत ही हवा चल रही है, देखो कैसे बॉल हो। और ये होते हैं ट्राम के स्टेशन, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है और कौन सा स्टेशन लेना है। तो ये स्टेशन है, तो हम यहाँ से लेंगे M5, M5 जाती है एलेक्जेंडर प्लाट्स, तो हम लोग भी एलेक्जेंडर प्लाट्स जा रहे हैं। So depressed when I can't seem to get out, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies. आज मतलब रेस्टोरेंट तो आए हैं पर इतनी दूर क्यों आए हैं? मतलब अपने घर के पास इतने सारे रेस्टोरेंट हैं, कैफेज हैं, हम वहाँ भी जा सकते थे, पर इतनी दूर ट्रैवल करके हम क्यों आए? तो वो रीज़न ये था कि आज हम आए हैं यहाँ, इतनी ऊपर हम जाने वाले हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है और आप लोगों को दिखाऊंगी कि वहाँ से व्यू कैसा होगा, तो इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं। तो भाई हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए हैं क्योंकि हमारा रिजर्वेशन है 2:30 का, तो हमने वहाँ पे पूछ लिया, उन्होंने बोला है कि 15 मिनट पहले आपको एंट्री के लिए लाइन लगानी होगी। तो जब यहाँ पर आए हैं और इतनी अच्छी जगह है तो हमने सोचा कि थोड़ा घूम लेते हैं आसपास का व्यू भी, क्योंकि अपने पास बहुत सारा टाइम है। तो भाई यहाँ पे वो लगती है क्रिसमस मार्केट, और क्रिसमस मार्केट एक तरीके से मेला ही है, जैसे हमारे इंडिया में दशहरा पे मेला नहीं लगता, तो वो वाले मेले में झूले वूले बहुत ज़्यादा होते हैं, दुकानें सामान खरीदने की दुकानें वैसे होती हैं, पर यहाँ पे खाने पीने की ज़्यादा थी और एक दो राइड्स थी, और उसमें सबसे ज़्यादा मिलती है ग्लू वाइन। साल अगर उस टाइम पे हम यहाँ पे होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी क्रिसमस मार्केट यहाँ की। ये अलेक्जेंडर प्लाट्स ना यहाँ का बहुत ही अच्छा एरिया है, मतलब हम तो काफ़ी बार आ चुके हैं यहाँ पे, जब भी हमें कुछ शॉपिंग करनी होती है या थोड़ा बहुत खाने पीने का करना होता है तो मोस्टली हम यहीं आते हैं। यहाँ से जब हम आए थे हमने यहाँ से ही सिम कार्ड वगैरह भी लिए थे, तो ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर शॉपिंग करनी है शॉपिंग कर लो, कुछ खाना है खा लो, ऐसे घूमना है घूम लो, वेले बैठना है बैठ जाओ, तो बढ़िया एरिया है मस्त एकदम। और लोग मोस्टली यहाँ पे रहना पसंद करते हैं एलेक्जेंडर प्लाट्स में, क्योंकि आसपास शॉपिंग वॉपिंग का बढ़िया हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है, तो इस वजह से। और बाकी आप देख ही रहे हो एरिया तो है ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत। अरे हाँ यहीं लगी थी क्रिसमस मार्केट, वहाँ ये था ना क्रिसमस मार्केट में, तो यहीं लगी थी दोस्तों क्रिसमस मार्केट, और पता भी नहीं चल रहा उस टाइम पे, तो इतनी भीड़ सी हो रही थी, बिल्कुल अंधेरे में आए थे हम लोग रात में, तो पता ही नहीं चल रहा था कि यही है, पर इससे पता चल गया कि ये है ना, ये तब भी था। इसके चारों तरफ ऐसे ना आइस स्केटिंग कर रहे थे लोग, तो बहुत सुंदर बना रखा था। देखो दोस्तों मुझे ना ये देखो यहाँ पे घूम रही है, मतलब यहाँ पे ना मतलब पैसे वैसे लेने का या थोड़ा कुछ तो क्रिएटिव सा करते हैं थोड़ा लोग। देखो ये ड्रेस पहन रखी है और ऐसे पेंट किया हुआ है बॉडी को, ठीक तो हमारी एंट्री हो चुकी है और एंट्री पे इन्होंने हमारा कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट देखी है और रिजर्वेशन की, तो मास्क पहन लिया क्योंकि अंदर आ गए हैं तो बिना मास्क के तो ऊपर नहीं जाने देंगे। यहाँ पे हो रहा है सिक्योरिटी चेक करा के हम जाए। ओके सिक्योरिटी चेक डन, बैग में चेक करा था उन्होंने। एंट्री हो गई है हमारी और यहाँ पे देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अच्छा हमारी रेस्टोरेंट की है तो हम जाएंगे घर। Domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks. Feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight. Never stopped, never changed. All the squad here to play. And I've got something to say, yeah. Hello, तो आ गए हम लोग रेस्टोरेंट में। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। एक तो पहली बात ये रिवॉल्विंग है, तो देखो ये रिवॉल्व हो रहा है। और यहाँ से व्यू
veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. यहाँ पे इस टावर की हिस्ट्री दिखाई जा रही है जब से ये बना था. तो ये शायद 1966 में इन्होंने दिखाया कि 1966 में बन रहा था. थोड़ी रिसर्च करने के बाद, मेन्यू पढ़ने के बाद वेजिटेरियन फाइनली मिल गया और हमने ऑर्डर कर दिया. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. आ चुके हैं नीचे लिफ्ट से. लिफ्ट में आने में कम से कम 30 से 40 सेकंड लगे. ऊपर से आए जाए और लिफ्ट में ना ऐसे कान बंद हो जाते हैं, मतलब हवा घुस गई. अब हम चल रहे घर की तरफ. ये देखिए, ये देखो टीवी टावर छोटा सा. ये हो गया. ये हमने चूज किया था और तब हमें ये मिला. हम अभी वहाँ थे और हम अभी यहाँ हैं नीचे. तो आज के ब्लॉग में आया बहुत मज़ा और खा पी के हो गया है पेट एकदम फुल. खाना बहुत सही था, मतलब उम्मीद थी नहीं कि इतना अच्छा खाना मिल जाएगा, पर हाँ मिल गया बढ़िया. और वेजिटेरियन भी था तो कोई दिक्कत हुई नहीं. तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर समाप्त. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लिए अब हम नई नई वीडियोस ऐसे ही लाते रहेंगे. बाय बाय. शिखा के ब्लॉग्स साइनिंग ऑफ.